लाश तेरे हाथ में है, तेरा पति ही तेरा परम परमेश्वर है। ये क्या कर रही थी मैं, हे भगवान, ये क्या कर रही थी? अम्बा माँ, मेरी माँ के रूप में आकर तूने ही मेरी रक्षा की, मेरा ये अपराध क्षमा कर दो। सरस्वती के सुख के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मां? कुमुद, कोई देख लेगा तो तुम्हारी क्या दशा होगी? अब क्या दशा होगी मेरी? जो विद्वान था उसने ब्याह से पहले छोड़ दिया, जो अनपढ़ है उसने ब्याह के बाद छोड़ दिया। नहीं कुमुद, तुम मुझे दोषी बना रही हो। मैं तो तुम्हें मैं कुछ कहना सुनना नहीं चाहती। तुमसे सिर्फ यही कहने आई थी कि तुम यहां से चले जाओ। अगर बंबई नहीं जाना चाहते तो मेरे पिता के पास चले जाओ। लेकिन एक प्रार्थना है, मेरी जैसी दशा किसी और स्त्री की न करना। मैंने तो सह लिया है, लेकिन पत्थर जैसा कलेजा होगा तो वो भी फट जाएगा। मेरे यहाँ रहने से तुम्हारे दुख बढ़ते जा रहे हैं, मेरी वजह से तुम्हें और दुख न मिले, इसलिए जा रहा हूं। Thank you.
समान बुद्धि धन जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं जा रहा हूं। मुझे अगर मालूम होता कि मैं कहां जा रहा हूं तो जरूर लिख जाता, लेकिन आप लोग मेरी चिंता न कीजिएगा। भगवान आपके घर को सुख और शांति का सागर बना दे। आपका नवीन चंद्र। ऐसी क्या बात हो गई, बगैर कुछ कहे सुने ही चला गया। बहू, तुम तो बराबर वाले कमरे में थी ना, तुम्हें भी बेटा कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ पता नहीं चला। बहुत बचपना किया उसने, समय बहुत खराब है, डाकू दिन दहाड़े मुसाफिरों को लूट रहे हैं। क्यों भैया, आपने मुझे पहचाना के नहीं? नहीं। अरे, अपने जन्मदाता को नहीं पहचाना? इन्होंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। हरी बोल, मैं अपने जन्मदाता को जरूर पहचानता हूँ, लेकिन आपको नहीं। आपने तब मेरी जान बचाई थी। अरे भैया, भद्रेश्वर के तालाब में तुम डूब के मरते थे, तब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। हरी बोल। लेकिन भद्रेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में ही नहीं देखा। अरे भद्रेश्वर नहीं तो अंकलेश्वर देखा होगा। अंकलेश्वर मैंने सपनों में अभी नहीं देखा है। नहीं देखा तो अभी देखोगे, उसमें क्या है। अरे कलमुआ, अरे मुझे अकेली को छोड़कर कहाँ चला? ये देखो ना भैया, कलमुआ मुझे अकेली को छोड़कर चला गया। घने उतार। अरे वाह, कहने कैसे उतार? घने उतार, घने उतार। अरे चल हट, कलमू है। अरे जीवन नष्ट करने का पाप लेकर नहीं मरना चाहता, मुझे इस पाप का प्रायश्चित कर लेने दो, इसके बाद मुझे मौत का कोई डर नहीं।
क्या बात है मोहनपुरी? गुरुदेव, एक मनुष्य पड़ा है, मालूम नहीं जीवित है या मर गया। उसे उठा लो वत्स, इस समय का चौघड़िया शुभ है, ये कोई अवश्य महान आत्मा है, इसे मठ में ले चलो। जो आज्ञा गुरुदेव। ओ, ओ, दिल किसी को दिया? क्यों रूठ गई क्या? छोड़ो मुझे, फिर इतनी देर? अरे दिल न तोड़ करेगा, दिल न। अरे मैं भी क्या करूं, उस सती सावित्री की वजह से तो मुझे घर निकाला हो गया, उससे दिल लगाने का मौका ही नहीं मिलता। और ना तू ही बता मेरी रानी, क्या तुझे छोड़ के मैं कभी नल दमयंती का नाटक भी देखने गया? तो देवी जी को भद्रेश्वर क्यों नहीं भेज देते? अरे जाती ही नहीं, मैं तो अंबा देवी को 5 रुपए के पेड़े चढ़ाऊं अगर चली जाए। 5 रुपए की क्यों, 2.5 रुपए की चढ़ा, अभी विनती स्वीकार कर लेगी। ये लो नवीन जी का प्रेम पत्र। तुझे प्रेम पत्र लिखा उसने? जान से मार डालूंगा उसे अगर तुझ पर नजर डाली। जी हाँ, अब क्या इरादा है? देवी जी, ये कष्ट क्यों कर रही हो? मैं तो पापी आदमी हूं, मेरा पाप और क्यों बढ़ाती हो? और फिर मैं तुम्हारा देवता थोड़े हूं, तुम्हारे देवता तो चले गए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, मेरी बातें तुम्हारी समझ में क्यों आने लगी? मैं जो ठहरा गंवार जाहिल और तुम पढ़ी लिखी। लेकिन देवी जी, मैं दिल का इतना बुरा आदमी नहीं हूं, कल ही तुम्हारे मायके जाने का इंतजाम किए देता हूं, रास्ते में कोई दूसरा देवता मिल ही जाएगा, देवता की कमी नहीं, पूजने वाले के पास दिल चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया है क्या आपसे? साफ साफ क्यों नहीं बताते? साफ साफ पढ़ जो नहीं सकता, गवाह जो ठहरा, लो खुद ही पढ़ लो। अगर वही देवता कहीं रास्ते में मिल जाए तो उसके चरणों में भेंट कर देना। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, आपके चरणों में पड़ा रहने दीजिए मुझे, आपकी सेवा में ही मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बड़ी सत्य सावित्री बन रही हो, तुम इस लायक नहीं मेरे माता पिता की बहू बने, तू तो पद्मा से भी गिरी हुई है। चुपचाप यहाँ से चली जा, इसे में तेरी और तेरे घर वालों की इज्जत है, नहीं तो ये खत मैं सबको दिखा दूंगा। ऐसा ना कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा ना कीजिए। अगर आप मुझे अपने कदमों में जीने का अधिकार नहीं दे सकते तो मेरी गर्दन उड़ा दीजिए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भैया क्या नाटक कर रहे हो? क्या बोल, माँ की तबीयत ठीक नहीं तुम जानती हो, मैंने इसे कहा इस वक्त तुम्हारा मायके जाना ठीक नहीं, फिर कभी चली जाना है, तो कह रही है गर्दन काट लूंगी। अच्छा बाबा जाओ, गर्दन तो न काटो। कलिका जी, इसका सामान बांध दे, ये मायके जाएगी। अलग पिताजी से कहकर गाड़ी का इंतजाम करवा दो। बस खुश हो गई? ये नहीं हो सकता, जरूर कोई बात है। अरे मेरे पर विश्वास न हो तो खुद पूछ ले। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, कुछ और बात है तो बोल, पूछ ले। क्या बात है भाभी, मुझे नहीं कहोगी? कुछ नहीं, कुछ नहीं अलग बहन,
है।